सनातन बंधुओं, वर्ष के अंतिम पखवारे में इसी मास में दो दो ग्रहण जो पूरी सृष्टि के लिए अशुभता का संकेत देते हैं, नौ वर्ष पूर्व शरद पूर्णिमा पर ही चंद्र ग्रहण लगा था, जिसका परिणाम ये हुआ कि सनातन विरोधी गतिविधियों का एकदम से सफाया हो गया और आज वो दर दर भटक रही हैं। एक बार पुनः नौ वर्ष बाद वही स्थिति पूरे देश और दुनिया के सामने है। यह इसका परिणाम यह होगा कि दुनिया के तमाम देशों में हलचल बढ़ेगी, आपसी विद्रोह होगा, कई देशों में युद्ध के हालात होंगे और युद्ध होंगे, किंतु इसका असर भारत में आंशिक रूप से देखने को मिलेगा। जो भी सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, वे अपने कुकर्मों से विनाश की गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि प्रकृति 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य के पथ पर अग्रसर है, जिसकी घोषणा हमारे महापुरुषों ने युगों पूर्व कर दी थी। शरद पूर्णिमा पर लग रहा ग्रहण जो भारत में ही नहीं दुनिया के कई देशों में देखा जाएगा, वहीं सूर्य ग्रहण जो भारत में दृश्यमान नहीं होगा किंतु दुनिया के तमाम ताकतवर देशों में दिखाई देगा, इसका प्रभाव पूरी प्रकृति पर पड़ रहा है, मानव जाति में हलचल होगी। हमें ऐसी विषम परिस्थिति में इन ग्रहण काल को शुभता में परिवर्तित करने के लिए सबसे सुगम है महामृत्युंजय मंत्र, जो हमें ग्रहण काल से राहत देने के साथ साथ इसकी अशुभता से बचाएगा, और अशुभता को शुभता में परिवर्तन करने की क्षमता अगर किसी में है तो वह है मृत्युंजय महादेव। इसलिए शांत चित्त होकर 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के समय और 28 अक्टूबर चंद्र ग्रहण के समय भगवान मृत्युंजय महादेव का ध्यान करते हुए मृत्युंजय महामंत्र का जप करें अथवा ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम का जप करें, जो आपको राहत देने के साथ साथ अशुभता को शुभता में परिवर्तित करेगा। जय सियाराम।